अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदम्स फैमिली फन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो जी, नाश्ता हमने कर लिया बहुत ही मज़े से और हमारा वीकेंड आज बहुत ही स्पेशल है। आफ्टर 3 वीक्स हम लोग जो हैं वो आदम के साथ अपना वीकेंड गुजारेंगे। बहुत सारे आज काम करने हैं, बहुत ही बिजी आज का दिन गुजरने वाला है, बट आप यहाँ देखें कि ये लोग कैसे चिल कर रहे हैं। नाश्ते के फौरन बाद जो है आदम अपना गेम खेलने बैठ गए और बच्चे भी जो हैं वो साथ ही बाबा के डांस भी करेंगे और मज़े भी करेंगे। सो बहुत बहुत आज टफ़ रूटीन होने वाली है क्योंकि घर में ढेरों काम पेंडिंग पर थे जो सिर्फ़ और सिर्फ आदम के आश्रय पर ही मैंने रखे हुए थे। सो आज का दिन जो है वो बहुत ही बिजी होने वाला है। बच्चे सुबह ही आज कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, सो अब हुआ है टाइम लंच का और मैं बच्चों को दूंगी इस टाइम शामी कबाब मेथी के पराठों के साथ। तो देखें जी, माशाल्लाह बच्चों की भी क्या लाइफ होती है, कितनी बेफिक्री की इनकी ज़िंदगी है। हमें ढेरों काम करने हैं और दिमाग पे सिर्फ काम सवार है और यहाँ पर देखें साहबजादे जो हैं वो सोफ़े पे लेट के बहुत ही मज़े से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल मुझे लगता है इसका फेवरेट काम यही है कि बस इसको जैसे ही जहाँ पर जिस तरह मौका मिलता है ये फ़ौरन ही फ्रीज़र से आइसक्रीम निकाल के उसको एंजॉय करने बैठ जाता है। सो यहाँ पर भी ये यही कर रहा है और इसको नहीं पता कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें, मैं शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ कि एहाम मेरे साथ किस तरह सारा दिन गुजारता है। इसको बस मेरे साथ ही रहना अच्छा लगता है और जहाँ पर भी मैं होती हूँ इसको बस वहीं पर मौजूद होना होता है। और यहाँ पर भी देखें, इतनी छोटी सी किचन में जगह है, वहाँ पर बस अपने लिए जगह बना के बहुत कम्फर्टेबल है क्योंकि सिर्फ मम्मा के अतराफ़ है और उसको सिर्फ मम्मा के साथ अपना टाइम गुजारना है बस। स्लोली स्लोली मेरा बेटा बहुत प्यारा काम करता है मेरा बेटा यहाँ। यस, देखो कितना खूबसूरत कलर कर रहा है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आई वांट राइट इट, ओके एंड देन आई हैव टू डू दिस। नो, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट एप्पल, आई हैव टू डू दिस देन मेबी आफ्टर दिस कैन यू प्ले हाइड एंड सीक विद अस। श्योर। Guys, I'm drawing better than Ehan. Ehan, you have to work hard. Stop skipping. Jo word keh rahe na, us box mein draw karo. He's not listening, mom. तो बच्चे अपने कामों में बिज़ी थे और मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा काम निपटा लूं और मैं यहां पर करने बैठ गई थी एडिटिंग, क्योंकि दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही घर के कामों में, सो अब रात के टाइम ही मुझे थोड़ा टाइम मिला था जिस टाइम पर मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कर रही थी और साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी क्योंकि बच्चे जो थे वो पीछे खेल रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ। तो मुझे भी अच्छा मौका मिल गया था कि मैं भी यहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा काम समेट लेती। आम दिनों में तो ऐसा होता है कि बच्चों को सुलाकर मैं 8:30 बजे ही फिर फ्री हो जाती हूँ, तो मैं उस टाइम पर अपना एडिटिंग का और दूसरा काम करती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी वीकेंड है और वीकेंड पे जो है वो बच्चे नहीं सोते इतना जल्दी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको बगैर सुलाए ही आज बैठ जाती हूँ, वरना अगर मैं उनके सोने का इंतज़ार करती तो फिर तकरीबन मुझे 12 ही बज जाते फिर उनका इंतज़ार करते करते। Why are you eating 11? I'm the same. Why is he eating 11, guys? You know, Ehan, you wonder why. Why are you eating lemon? You wonder I why. Like it. He likes it. He likes it, yes. The guy likes sour.
अच्छा लड़ो नहीं, नो फाइटिंग। So guys, I'm playing hide and seek with my brother. If I find him, I have to hit him with this thing. कहाँ जा रहे हैं? Beaches. Beaches. Let's go. क्या लेने जा रहे हैं beaches? Flies. No. Ice cream. Ice cream, potatoes, and eggs. तो जी हम कर रहे थे ग्रॉसरी, और हस्बैंड साथ हो तो ग्रॉसरी करने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना जो है वो फिर हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है, और आदम यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, सो फिर मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रॉसरी में हेल्प भी हो जाती है। और शॉप राइट से जितनी भी ग्रॉसरी की थी वो सारी हम लोगों ने गाड़ी में रख दी, और अब हमें लेना था दूध, सो उसके लिए हम जा रहे थे बीजेस जो बिल्कुल ही बराबर में था, और वहाँ से फिर हमने पिक कर लिया दूध। और साथ ही देखें बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम। जल्दी बताओ क्या चाहिए? चॉकलेट एंड स्प्रिंकल, चॉकलेट एंड स्प्रिंकल। और ये देखें जी, ये मुझे क्या मिला शॉप राइट से आज, बड़ी वाली हरी मिर्चें जो बहुत ही कम यहाँ से मिलती हैं, सो मुझे आज ही मिल गई थी शॉप राइट से। और मैंने ली थी आज सामन शॉप राइट से, ये फ्रेश सामन थी, और क्योंकि अब आदम इतना अनहेल्दी खाकर पाकिस्तान से आए हैं, सो उन्होंने अब मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि वो थोड़ा सा जो है वो डाइटिंग की तरफ रहेंगे 2-4 महीने तक, ताकि वज़न जो है वो कम कर सकें। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे बेक बीन्स, और क्योंकि आज वीकेंड है सो बच्चों का पिज़्ज़ा तो बनता ही है, और यहाँ मैंने बनाया था बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा। Once upon a time, there were three little birds. तो अबान सुना, आज है एहाम की टर्न, और एहाम हमें स्टोरी सुनाएगा। कौन सी स्टोरी सुनाओगे हम? About three little birds? No. Or three little pig? No. Or three little ducks? No. So? Three little flies in the sky? You have to guess. Yes. So guys, how three would little there were three little wolves in the sky in the day. No. What? Three little wolves in the sky in the day. चलो हम सुना दो फिर, फिर भाई सुनाएगा वरना। Three little cows live in a farm. There are bad little, very big dragon. A mosquito come and destroy them. Then what? And they make a house. One made out of cardboard box, one made out of rocks, one made out of straws. No, one made out of metal. Acha, then
Then what happened? The mosquito was trying to break their house, and he break one of the house. And then he pinched. Then he ran into the other house. Yeah. Then the other one was sneezing. And then the other cow got to his other friend cows. And then? Then the mosquito was trying to break in, and he had an idea to come for a chimney, and they didn't know. And there's a pot that filled with hot water. Then they go in the meadow base, had no chimney and door. Then he tried to punch it. No, it didn't happen. Did this happen in the story? Yeah. I don't think so. Yeah. Look at this. Okay, end of the story. End of the story. Bye-bye. No. Bye-bye. What was the end of the story? The end of the story, there will be part 100. There will be part 2. What was that? You're gonna tell us in the next part? Yes, part 2. Part 2? Part 2 coming, guys. Guys, part 100! What is going on? There was one mom and 3 kids. The mom said to take off and build their own house. So one built it out of straw, one built it out of sticks, and one built it out of bricks. So one finished his house and had some relax. Then the other finished his house made of sticks. And then the brick one was still working. And then the big bad duck came, and then he fired the house. Mm-hmm. And then the other chimney homes run, and the other homes run. Then